فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صلوات محمد وآل محمد ऐज़ान मोहतरम अल्लाह सुबहान ताला ईसा करीमा में रोज़े का मकसद तक़वा इलाही बता रहा है कि रोज़ा रखो फ़कत तुम ही नहीं रख रहे हो बल्कि तुम्हारे पहले भी लोग थे जो रोज़ा रख रहे थे। हमारी गुफ्तगू जो चल रही है इन अय्याम में, कल से हमने शुरू किया मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम नहजुल बलागा में वो खत वो लेटर कि जो इमाम ने अपने एक करीबी साथी अपने एक नज़दीक के साथी को लिखकर दिया जिसमें चंद नसीहतें मौजूद थीं। वो साथी जनाब हारिस हमदानी जिनके बारे में कल मुख्तसरन आपकी खिदमत में अर्ज़ किया था, आज भी उनके बारे में थोड़ा बहुत बयान करें ताकि हमें मालूम हो कि इमाम अलैहिस्सलाम के ये चाहने वाले कैसे कैसे थे, इमाम अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करने वाले कितनी हद तक इमाम अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करते थे। एक है दावा करना मोहब्बत का और एक है फ़कत दावा नहीं बल्कि दावा के साथ साथ इमाम अलैहिस्सलाम के हर कौल व फेल के मुताबिक अपने आप को ढालना। इंसान जितना जितना अमल के एतबार से अपने आप को इमाम के कौल के मुताबिक ढालता रहेगा उतना उतना वो इमाम से नज़दीक होता रहेगा। देखिए हारिस हमदानी जंग सिफीन ये वो जंग है कि जो हमारे मौला इमाम अली अलैहिस्सलाम और माविया के दरमियान हुई थी। ये जंग सिफीन के लिए लोगों को आमादा करने के लिए, लोगों को जमा करने के लिए, इस जंग में लोगों को इमाम अलैहिस्सलाम का साथ देने के लिए जनाब हारिस हमदानी मदाइन पहुँचे और लोगों को कह रहे हैं कि ऐ लोगों खड़े हो जाओ इमाम का साथ दो। यानी इमाम के लश्कर में खुद भी शामिल है और साथ में इमाम अलैहिस्सलाम के लश्कर के लिए दूसरों को आमादा भी कर रहे हैं। और जो आमादा कर रहे हैं उसमें दो चीज़ें बयान कर रहे हैं कि ये दो चीज़ जो है अगर तुम्हारे अंदर है तो इमाम का साथ दो। अगर आज भी हम देखें कि अगर हम चाहते हैं कि हम मौला इमाम ज़माना हज़रत मेहदी अज़लल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ चाहते हैं कि हम मौला का साथ देंगे, हम चाहते हैं कि इमाम ज़माना का हम साथ देंगे और इंशाअल्लाह ज़रूर देंगे, तो इसमें भी ये दो चीज़ों का होना ज़रूरी है जो हारिस हमदानी ने जंग सिफीन के मौके के ऊपर लोगों से कहा, ऐ लोगों खड़े हो जाओ इमाम का साथ दो। वो दो चीज़ क्या थी? कहा कि पहली कि तुम खुलूस के साथ अगर खड़े हो रहे हो, अगर तुम्हारे अंदर खुलूस है, अगर तुम मुखलिस हो तो तुम इमाम का साथ दो। दूसरी चीज़ जो है कि तुम जो है आखिरत के लिए इमाम का साथ दो। यानी अगर इंसान कितना भी
अपने आप को मुत्तकी परहेजगार कहे, लेकिन अगर उसके अंदर ये निखालसता, ये खुलूस, ये मुखलिसाना अगर उसमें आदतें नहीं है, अगर वो आखिरत के लिए अमल नहीं करता, तो वो जो है ईमान का साथ नहीं दे सकता। तो जरूरी है कि हम हर काम जो हमारा हो, चाहे कोई भी इबादत हो, चाहे कोई भी अमल हो, चाहे कोई भी नेकी हो, सबसे पहली चीज कि मुखलिसाना होना चाहिए, और दूसरी चीज कि जो भी नेकी हो वो आखिरत के लिए होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई मेरी तारीफ कर देगा, कोई मेरी वाह वाह कर देगा। ऐसा नहीं मोहतरम, अगर मुखलिसाना हो और आखिरत के लिए हो तो ये नेकी जो है इंसान को इमाम से करीब करती है, और इमाम का साथ देने के लिए वो इंसान हाजिर हो जाता है। सलवात मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो ईमान के लश्कर में शामिल होने के लिए ये दो चीजें, खुलूस और आखिरत के लिए इस्लाह, आखिरत के लिए काम करना। यही जनाब हारिस हमदानी, देखिए इमाम अलैहिस्सलाम के इश्क में, मोहब्बत में अब अरब की भर गर्मी, अब वो अरब की गर्मी हम जानते हैं। आज भी अगर हम जाए ज्यारतों पे तो हमें एहसास होता है कि दोपहर में इतनी गर्मी होती है कि हम होटल से बाहर नहीं निकल सकते। हरम में जाना है पूरा सन्नाटा रहता है क्योंकि गर्मी इतनी रहती है। ऐसा नहीं मोहतरम, सुबहों में जनाब हारिस हमदानी इमाम अलैहिस्सलाम से मुलाकात करके घर गए थे। सुबह ही हुई, सुबह से घर गए और फिर दोपहर में भर गर्मी में इमाम अलैहिस्सलाम से फिर से इमाम अलैहिस्सलाम की खिदमत में आन पहुंचे। इमाम ने पूछा, ऐ हारिस अभी आने का मकसद क्या है? कहा कि मौला आपकी मोहब्बत ने मुझे मजबूर किया और मैं मुलाकात के लिए आन पहुंचा। देखिए इंसान जब किसी से मोहब्बत करने लगता है तो फिर वो ये नहीं देखता है गर्मी है या सर्दी है, फिर वो नहीं देखता है तकलीफें हैं या आसानी है, फिर वो उस इश्क की तरफ दौड़ता है कि जो इश्क उसको मिल गया है। ये बहुत बड़ी चीज है। सबसे पहले अगर हम जो कहते हैं इमाम से मोहब्बत करते हैं, पहले मोहब्बत होती है, फिर मोहब्बत जब बढ़ जाती है तो वो इश्क के अंदर तब्दील हो जाती है। जब इंसान किसी से इश्क करने लगता है, इमाम से इश्क करने लगता है, अल्लाह से इश्क करने लगता है, फिर क्या होता है उसको वो चीज के अलावा दूसरी कोई चीज नजर ही नहीं आती। चाहे दुनियावी इश्क के अंदर मजाजी इश्क है, बस इंसान को वही चीज नजर आती है, लेकिन अगर कोई इमाम से इश्क करने लगता है, अगर कोई अल्लाह से इश्क करने लगता है, तो फिर न तकलीफ न मुश्किलें न परेशानियां कुछ नजर नहीं आती। फिर बस उसका एक ही मकसद होता है कि मैं मेरा जो मकसूद है मैं वहां पर पहुंच जाऊं। ऐजान मोहतरम, ये हमारे मौला इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम। देखिए इमाम के बारे में तो है, हमने बार बार सुना है कि इमाम अलैहिस्सलाम के पैर में तीर लग गया था और वो तीर उसको निकालने के लिए अगर जाते थे तो तकलीफ होती थी, लेकिन इमाम अलैहिस्सलाम जब मुसल्ला इबादत पर पहुंचे तब वो तीर निकाला गया, क्योंकि अब जो है वो इश्क अल्लाह सुबहानहु ताला से है कि अब वो अल्लाह की जात जो अल्लाह से मोहब्बत और इश्क है उसके अलावा कुछ नजर ही नहीं आता है, न दर्द न दुख न परेशानी कुछ नहीं। ऐसा नहीं मोहतरम, अगर हम भी सोच ले कि अगर हम इबादत कर रहे हैं फकत ये कि मेरा अल्लाह सुबहाना मेरा अल्लाह जो है मैं उसके लिए कर रहा हूँ, उसकी मोहब्बत में कर रहा हूँ, तो लोग गाली भी देंगे, लोग खराब भी बोलेंगे, लोग बुरा भी कहेंगे, लेकिन इंसान अल्लाह के लिए जब कर रहा है तो किसी की तरफ तवज्जो नहीं होगी, अगर तवज्जो होगी तो उसके रब की तरफ तवज्जो होगी।
मौला इमाम हुसैन मज़लूम करबला अलैहि सलातो व सलाम, हमारे मौला इमाम हुसैन क्या देखे, ये करबला भी हमें यही दर्द देता है, ये क्यों अपने बाल बच्चों को साथ में लेकर इतनी भर गर्मी में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने प्यारे वतन को, अपने नाना के वतन को, अपने घर बार को छोड़कर करबला की तरफ पहुंचे। ये वो अल्लाह से इश्क था कि जो इमाम अलैहिस्सलाम तकलीफें पड़े कोई हर्ज नहीं, मुसीबतें आए कोई हर्ज नहीं, लेकिन मेरे नाना का दीन और अल्लाह की जो इतनी मेहनतें पैगंबरों ने की है अल्लाह को, अल्लाह के दीन को बचाने के लिए, वो तमाम चीज़ें मैं बचा कर रहूँगा, मुसीबतें झेली लेकिन कभी फरियाद नहीं की। तो ये इश्क है, तो हम आहिस्ता आहिस्ता अपने अंदर मोहब्बत मोहब्बत मोहब्बत, लेकिन मोहब्बत से ज्यादा एक कदम आगे बढ़ेंगे तो वो इश्क की मंजिल आ जाएगी। फिर हमेशा हमें यही कर देखना है मेरा मौला व आका मेरे इस अमल से राजी है या राजी नहीं। अगर राजी है तो इंसान जो है उस तरफ आगे बढ़ता रहे ताकि जो है वो इश्क इमाम तक पहुँच जाए, इश्क खुदावंद आलम तक पहुँच जाए। सलवात मोहम्मद व आले मोहम्मद। जब ये बात हारिस हमदानी ने कही कि मौला मैं आपकी मोहब्बत में यहाँ पर आया हूँ, मेरे मुझे आपकी मोहब्बत लेकर आई है, तो फिर इमाम ने भी फरमाया ऐ हारिस हमदानी, ये रिवायत का मफहूम आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ कि इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर तुम अपनी बात में सच्चे हो तो तीन जगह पर तुम्हारी ये मोहब्बत जो मुझसे मोहब्बत है फ़ायदा देगी। यानी अगर सच्ची ये बात फकत हारिस हमदानी के लिए नहीं है, ये बात हमारे लिए भी है, उन जमाने के लिए भी है, आइंदा जमाने के लिए भी है, यानी हर जमाने के लिए ये बात मौजूद है। इमाम फरमा रहे हैं कि अगर तुम मुझसे सच्ची मोहब्बत करते हो तो तीन जगह पर ये तुम्हें सच्ची मोहब्बत काम आएगी। सबसे पहली जो चीज़ है वो है मौत के वक्त। यही तो है अहले बैत अलैहि मुसलाम से अगर सच्ची मोहब्बत की है तो फिर उसके लिए मौत जो है वो इस तरीके से निकल जाती है, इस तरीके से रूह निकल जाती है, इस तरीके से मौत आ जाती है। तो ऐज़ान मोहतरम जैसे कि गुलाब के फूल से खुशबू निकल जाती है पता भी नहीं चलता। तो ये अहले बैत अलैहि मुसलाम से सच्ची मोहब्बत मौत की सख्ती के वक्त काम आएगी। हम एहसास नहीं कर सकते कि मौत के वक्त क्या सख्ती होती है। हमने देखा कि ये यहाँ से बस चला गया, अटैक आया चला गया, एक्सीडेंट हुआ चला गया, लेकिन इसकी सख्ती देखे जनाब ईसा पैगंबर अल्लाह के प्यारे नबी है, रूहुल्लाह है, ये अल्लाह के प्यारे पैगंबर जब उनकी वालिदा जनाब मरियम सलामुल्लाह अलैहा जो है उनका इंतकाल हुआ, इंतकाल के बाद उनकी कब्र के ऊपर जनाब ईसा अलैहिस्सलाम पहुंचते हैं और जनाब ईसा अलैहिस्सलाम अपनी माँ से मुखातब होते हैं, ऐ वालिदा गिरामी, ऐ मेरी वालिदा, मैं जो हूँ आपको दोबारा जिंदा कर सकता हूँ। जनाब ईसा अलैहिस्सलाम का मौजज़ा यही था कि वो बीमारों को कि जिसका कोई इलाज ना हो उसका इलाज करते थे। अगर कोई मादरजाद यानी कि बचपने से अगर बीमार है तो उसका भी इलाज करते थे, अगर कोई मर गया तो उसको भी जिंदा करते थे। ये जनाब ईसा अलैहिस्सलाम का मौजज़ा था। जनाब ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी माँ से फरमाया ऐ मादर गिरामी, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुमको जिंदा करूं तो मैं जिंदा करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे ये बताओ कि आपको जिंदा होना है कि जिंदा नहीं होना है। जनाब मरियम की रूह की तरफ से आवाज आई ऐ बेटे ईसा, ऐ मेरे लाल, मुझे दोबारा जिंदा नहीं होना। पूछा क्यों मादर गिरामी, कहा इसलिए कि मौत की सख्ती इतनी सख्त है कि मैं दोबारा जो है नहीं चाहती कि वो सख्ती मैं झेलूं।
ये मौत की सख्ती, और इस वक्त कौन काम आएगा? मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम। जनाबे मरियम ने बता दिया कि मौत की सख्ती बहुत ज्यादा है, मैं तैयार नहीं हूं कि दोबारा जिंदा हूं। और हमारे इमाम से अगर हमने लौ लगाई है, इश्क किया है, मोहब्बत की है, तो मोहब्बत हमें काम आएगी। दूसरी जगह जो है वो पुले सिरात है। इमाम फरमा रहे हैं कि पहली जगह वक्ते मौत हमारी मोहब्बत काम आएगी, दूसरी जगह पुले सिरात, वहां पर हमारी मोहब्बत काम आएगी। ये पुले सिरात है क्या? हमने बहुत सुना है, बाल से ज्यादा बारीक, तलवार की धार से ज्यादा तेज, आग से ज्यादा गर्म, ऐसा मोहतरम, फकत हमने सुना है। लेकिन ये रास्ता बहुत ही ज्यादा सख्ती वाला है। इस पर से वही शख्स गुजर सकेगा कि जिसके पास अली अलैहिस्सलाम के हाथ का लिखा हुआ परवाना होगा, यानी जिसके पास अली की मोहर होगी, अली का पासपोर्ट होगा, अली की वीजा होगी, वही ये पुले सिरात को सही तरीके से पार कर सकेगा। पुले सिरात हजार साल चढ़ान है, हजार साल मुस्तकीम है, सीधा है, हजार साल जो है वो नीचे उतरने का रास्ता है। अब अंदाजा लगाए, हजार साल जो चढ़ान वाला है मुस्तकील, और जो है नीचे उतरने वाला। अब हम इस जो पुले सिरात जिसमें बाज लोग इस तरीके से गुजरेंगे, लटकते पटकते गिरते पड़ते वहां से जाएंगे, कुछ लोग जो है आहिस्ता आहिस्ता जाएंगे, गिरेंगे पड़ेंगे, नीचे जहन्नम होगी, और कुछ लोग जो है बिजली की तरह यहाँ बस बटन दबाया, लाइट जल गई, यहाँ पर खड़े हुए और वहां जन्नत तक पहुंच गए। ये कौन लोग होंगे कि जो बस यहाँ बिजली की तरह फौरन यहाँ खड़े हुए वहां पहुंच गए? ऐजान मोहतरम, ये वो है कि जो मोहब्बत अली जिनके पास है, ये वो है कि जो अली के बताए हुए चीजों के ऊपर खुद को अमल पैरा किया है, अपने आप को अली ने जो कहा कबूल कर लिया, अली ने जो बताया उस पर अमल किया, अली ने जो कहा उसी एतबार से अपनी जिंदगी को पूरा किया। तो ये वो शख्स कि जो इंसान पुले सिरात पर गुजर पाएगा, आराम से गुजर पाएगा, वो कौन है? वो यही है कि जिसके पास मोहब्बत अली है। इमाम ने फरमाया तीसरी जगह जिसके तुम्हें हमारी मोहब्बत फायदा देगी, वो तीसरी जगह क्या है? इमाम ने फरमाया वो है रोजे कयामत। हारिस हमदानी से गुफ्तगू हो रही है इमाम की, क्योंकि हमारा इंशाल्लाह ये जो मौजू हमारा चलेगा ये इसी पर है कि इमाम अलैहिस्सलाम ने हारिस हमदानी अपने खास साथी को एक खत लिखा, एक नामा लिखा और दिया कि इस पर तुम भी अमल करो, दूसरे लोगों को भी तुम पहुंचाओ। अभी हम उस पहली चीज पर पहुंचे नहीं है, फकत हारिस हमदानी कौन है वो आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूं। अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है, आप वक्त से आइए 6:30 बजे, इंशाल्लाह हर रोज जो इमाम ने जनाब हारिस हमदानी को बयान किया है वो हम आपकी खिदमत में पहुंचाएंगे, ताकि हम जाने तो सही मेरे मौला ने क्या बयान किया है, मेरे मौला ने क्या बयान किया है, ताकि हम भी उसके ऊपर अमल कर सकें।